ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया और ये तो और ये मुझे अभी यहाँ पे जॉब पे आने के बाद रुका रहा है और मार रहा है। तेरा भी फेंकता। मैं हूँ अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कल्याण के सहाट परिसर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक से लड़की को बचाने गए दो लड़कों को भारी पड़ गया। दरअसल ये पूरा मामला कल्याण सहाट परिसर स्थित मातोश्री कॉलेज के पास एक रास्ते पर हुआ है। एक लड़की अपने जॉब से घर वापस लौट रही थी, रात करीब 7:45 बजे तभी लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आया और लड़की के साथ छेड़छाड़ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसी समय लड़की अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ। तभी रास्ते से गुजर रहे दो लड़के वहां आए, जिनका नाम योगेश चौधरी और उत्कृष्ट सिंह बताया जा रहा है। वही लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड का नाम प्रणव है। बचाने आए दोनों लड़कों ने प्रणव को समझाने की कोशिश की, क्यों ऐसा कर रहा है, जाने दे उस लड़की को। तभी प्रणव और दोनों लड़कों के बीच गाली गलौज होने लगा, देखते ही देखते मारपीट करने लगे। इसी बीच प्रणव ने अपने दोस्तों को फोन कर बुलाया और उनके दोस्तों ने मिलकर योगेश और उत्कृष्ट सिंह की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रुक्मणी बाई अस्पताल भेजा गया। वहीं लड़की और दोनों लड़कों की शिकायत पर खड़कपा पुलिस ने प्रणव समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले को लेकर लड़की और लड़के के परिजनों ने क्या कहा है, हम आपको सुनाते हैं। मी जॉब वर घरी चाललेली, तेव्हा मला घरी जाताना रस्त्यामध्ये त्याने मला अडवलं आणि विचारायला लागला की तू कुठे गेलेली, काय गेलेली, आणि वाईट साईड बोलायला लागला, म्हणजे तू जॉबला नव्हती गेली, तू दुसऱ्यासोबत गेलेली, असं तसं बोलला आणि मला मारायला लागला, शिव्या द्यायला लागला। तर मग त्याच्यामुळे मी बाजूला जी मुलं चाललेली त्यांना आवाज दिला की मला वाचवा म्हणून, हा मला मारतोय। तर मग त्याने त्या पोरांना येता बघून कॉल केलं त्याच्या भावंडाला आणि बोलवून त्यांना माराय पोरं बोलवून मारलं। हम लोग बैठे थे नीचे, तो एक लड़का एक लड़की को मार रहा था, तो लड़की ने आवाज़ दी तो हम लोग गए तो फिर उसमें गए तो वो लड़की ना बोल रही थी कि मेरे साथ बदसलूकी कर रहा है, मार रहा है मुझे, भैया प्लीज़ कुछ करो। तो मुझे बोला जाने दो यार, किसी की बहन है, जाने दो, आप भी क्या करोगे, छोड़ दो। तो वो सुन नहीं रहा था, तो मैंने उस लड़की को बोला आप 112 नंबर पर कॉल करो, उसके पास फ़ोन नहीं था। मैंने जब तक किया तब तक उस लड़की ने उसको फ़ोन लगाया उसके दोस्त को, उसका नाम, उसने कुछ अच्छा ही बोला था, दर्शन को कॉल किया उसने। दर्शन को कॉल करने के बाद में उसने लड़के लोग लेके आया, वो मैंने उसे समझाया कि भाई ये तो लड़की को मार रहा था, मैं बता रहा था, तो उन लोगों ने मारना चालू कर दिया। मैं जैसे जब तक समझा रहा था कि पीछे से मेरे सर पे किसी ने रॉड या पता नहीं क्या था वो बहुत ज़ोर से मारा मुझे, तो मैं ब्लैकआउट हो गया। योगेश ब्लैकआउट हो गया, तो फिर उसके बाद में लोगों ने मारना चालू कर दिया हम लोग को। मैंने छुड़ाने की कोशिश की, भागा इधर से उधर, कोई नहीं आ रहा था। 10-15 लड़के लोग को घेरे पे मार रहे थे हम लोग को। मेरा दोस्त मुझे छुड़ाने आया तो उसको भी मारने चालू कर दिया। फिर मैं कैसे कैसे करके फिर जा रहा था, तो और एक और फटका लगा मुझे सर पे, तो मैं कैसे कैसे करके बिल्डिंग में भागा तो उन लोग पीछे पीछे आए मेरे घर तक का। मेरे घर पर जैसे ही उन लोग आए, मेरी चेन वेन छीन ली उन लोगों ने, मेरा ब्रेसलेट था, घर पे हाथापाई हो गई, घर में काश थी वो टूट गई, पापा मम्मी को भी धक्का दिया। आज हम लोग ने कंप्लेंट डलवाई, तो कंप्लेंट में वो पुलिस वाले ने खाली अपना 5 ही लोग का नाम लिया, जबकि उसमें 10 से ज़्यादा लोग थे। उसमें एक दर्शन था और एक प्रमोद था। दर्शन करके था, उसमें से एक लड़का चिल्ला रहा था जोर जोर से, प्रमोद झावड़ा ना मार है ललिता। अरे जो एक दोस्त गए वो नीचे गया था किसी ढूंढने, उसको 10-15 लोग मार रहे थे, वो भी उसका दोस्त है, उसको बचाने गया तो उसको भी घेर लिया।
गया तो उसको तो सर फट गया, तो उसको लेके गई घर ले गई तो मार उसको ये ढूंढने को गया मेरा लड़का, उसको देखने को जा रहा उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, फिर उसको 15 लोग उसको उठा कर लेके आ रहे थे गेट के बाहर। अभी तो ठीक है, अभी तुम्हें उसको बहुत मार लगी है, बहुत लगी भी ठीक इतना नहीं है, पड़ा है बेड पे। मांग किया उसको जितनी हम लोग के बच्चे की सजा मिली दिए उसने उसको भी होनी चाहिए। राधा मनोज कुमार चौधरी। सर माझा मुलगा खाली गेला होता गाड़ी घ्यायसाठी, तेवढ्यात तर एक मुलगी आरडा ओरडा करत होती मला वाचवा वाचवा म्हणून, तर माझा मुलगा रोड क्रॉस करणार आणि त्याच्यासोबत उत्कर्ष सिंग पण होता योगेश चौधरीसोबत, तर हे दोघं चाललेले, तर ती पोरगी बोलली मला वाचवा वाचवा म्हणून, तर माझ्या पोराने अशी मांग केली, तर ती बोलली भाई दादा मला वाचवा म्हणून, बघा हे लोक माझी छेडछाड करतात ते मला म्हणजे। तर मग माझा मुलगा बोलला ए भाई जाने देने छोड देने किसकी लड़की होगी किसकी बच्ची होगी, तो उसको गाली गलौज करने लगे। तो मैं माझा मुलगा तरी बोलला की जाऊ दे सोड कुणाची मुलगी असेल जाऊ दे, तर त्या पोराने काय केलं माझ्या पोराला धरलं कॉलरनी आणि कानपडा तोडली, तर माझा मुलगा 112 नंबरवरती कॉल लावायला लागला पोलिसांना बोलवायला लागला का म्हणजे सुरक्षा होतील, तेवढ्यात ते त्यांनी काय केलं पोरं बोलवले अजून मारामारी करायला, 3 बाईक आणि 3 गाडी भरून पोरं आले, असे 17-18 पोरं त्या पोरांनी बोलवलं आणि ह्या लोकांना घेरा टाकून माझ्या मुलाला भरपूर मारलं आणि त्या पोरीला पण लातानी फाईटनी मारलं आणि माझ्या मुलाला पण इतकं मारलं तर पूर्ण बेजार केला। तर सर आमची एवढी दरखास्त आहे का एकदम 16 तास तर कोणी आम्हाला विचारलं नाही काय नाही आणि त्याच्यानंतर विचारलं तर किरकोळ गुन्हा दाखल केला, मोठा गुन्हा दाखल केला नाही आणि त्या लोकांचे आम्हाला समोरून फोन पण येतात ते का सेटलमेंट करा, आम्ही कसं सेटलमेंट करा, आमचा मुलगा एकदम सिरियस आहे, तर आमचं एवढीच नम्र विनंती आहे का आम्हाला न्याय मिळावा आणि त्या पोराला पकडावा आणि त्याला शिक्षा कडक झाली पाहिजे आणि महिला ही सुरक्षा व्हायला पाहिजे।